छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के शिक्षक सुशील पांडे ने प्रेस वार्ता कर अपने निवास पर हुई चोरी की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को जब वे लोग सपरिवार किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने नागपुर गए थे, उसी रात उनके निवास पर नकदी व जेवर चोरी हुए, जिसकी सूचना सुबह काम वाली बाई ने दी। घर खोलकर जब वह अंदर पहुंची तो उसे चोरी का अंदाजा हुआ तो उसने तत्काल घर के सदस्यों को सूचना दी, जिस पर घर के मालिक सुशील गाड़े ने अपने दोस्तों को चोरी की जानकारी देकर थाने में इसकी शिकायत करने को कहा और पूर्व कोतवाली प्रभारी राजेश जगत का FIR दर्ज लिखने को निवेदन भी किया गया, किंतु थाना प्रभारी राजेश जगत द्वारा आश्वासन में ही निपटारा कर दिया गया। लगातार पीड़ित परिवार द्वारा पूछे जाने पर सुराग मिल गया है, बहुत जल्द अपराधी गिरफ्त में होगा के अलावा कुछ नहीं किया गया और 2 माह तक FIR दर्ज नहीं की गई। पीड़ितों ने यह भी बताया कि कार्रवाई नहीं हुई है और FIR दर्ज नहीं किए जाने की शिकायत लेकर वे पुलिस अधीक्षक गरियाबंद के पास भी गए थे, किंतु इस घटना की जानकारी के बारे में कुछ नहीं पता कह गए। 2 माह बाद जब सिटी कोतवाली में नई महिला थाना प्रभारी निधि साहू ने पद ग्रहण किया तो FIR दर्ज की गई। FIR दर्ज किए जाने के बाद फिर कुछ महीने बीत गए, लेकिन अब तक स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई, अपराधी पुलिस के हाथ नहीं आया। FIR में 15,000 नगद व जेवर सहित कुल 5,60,000 दर्ज की गई है। सुशील गाड़े व उसके परिजनों के द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान गरियाबंद स्थानीय पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया गया है। पीड़ित परिवार ने यह भी कहा है कि जल्द ही इस केस पर कार्यवाही कर चोरी का पता नहीं लगाया गया तो इसकी शिकायत गृह मंत्री व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को करेंगे। छत्तीसगढ़ गरियाबंद से संवाददाता राजेंद्र गाड़े की रिपोर्ट। हो गया है, हमारे यहाँ चोरी हुई है। लेकिन आज तक कोई इसका रिजल्ट नहीं मिला है ना? अभी तक भी कुछ नहीं था। दो महीना बाद रिपोर्ट लिखवा है, एडिशनल SP के पास भी गए थे, SP के पास भी, अभी तक लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। अगर 8-10 दिन के अंदर कोई रिजल्ट नहीं मिला तो हम लोग नहीं मिलेगा तो हम लोग साहू गृह मंत्री उनके पास जाएंगे और उनके पास भी हमारा काम नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और उनसे आवेदन लगाएंगे कि हमारी चोरी का पता चलना चाहिए। कितने लाख की चोरी हुई? 5,60,000 की चोरी है हमारी। यहाँ चोरी को 4 महीना हुआ है, अभी तक कुछ पता नहीं, कुछ ऑब्जेक्शन ही नहीं लिया गया आज तक का। गरियाबंद थाने से कोई वो आप लोग को कोई जवाब मिला? नहीं मिला है, बस क्लू मिल रहा है, क्लू मिल रहा है, क्लू मिल रहा है, बिना आज तक से हम कुछ काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ है। ठीक है, ओके। ये बना है, हमारे यहाँ चोरी हुई 2 नवंबर को, उस बीच में अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। SP जब रिपोर्ट लिखाने के लिए गया तो रिपोर्ट भी नहीं लिखे हैं, 2 महीने के बाद में रिपोर्ट लिखा गया। इतना डिले क्यों किया गया रिपोर्ट? वो मालूम नहीं, वो तो खुद बोले खाली एप्लीकेशन लगा दो उसमें काम हो जाएगा। UTI खुद बोले। अच्छा, क्या क्या चोरी हुई है? चोरी हार, 3 हार था उसमें, 2 कान का जोड़ी, 3 अंगूठी, 8-10 जोड़ी पायल, 15,000 नकदी कैश। कितने का अंदाज चोरी हुआ? 5 लाख का चोरी। और नगद? नगद 15,000। क्या पूछते जाएंगे बोलते हैं। और रिपोर्ट कब दर्ज किया गया है? FIR 2 नवंबर के बीच घटना हुआ है और जनवरी में इसका रिपोर्ट दर्ज किया है। इतना डिले क्यों हुआ, कुछ विस्तृत बताइए। पहले जो राजेश जगत थे वो चलो घटना क्या हुई थी और रिपोर्ट कब दर्ज किया आप? 1-2 नवंबर के बीच हम लोग क्या चोरी हुआ है और घटना 2 महीना के बाद लिखा है, रिपोर्ट 2 महीना बाद दर्ज हुआ है। कितने दिन बाद रिपोर्ट क्यों लिखे? 2 महीने के बाद रिपोर्ट लिखे। इतने दिन क्यों लगे रिपोर्ट लिखा? वो लिखे नहीं, आवेदन बस दिए थे उनको। कौन ने लिखा? राजेश जगत जी। क्या कहना था उनका? उनका बोलना था, कहना था कि आवेदन बस लिख दीजिए मैडम, उसके बाद में हम दे देंगे ऐसे कर। कुल कितने की चोरी हुई आपके? कुल 5,60,000 की चोरी। पिछले 2-3 महीना पहले एक चोरी हुई थी राजन गाढ़े के यहाँ, उसके परिवार के यहाँ, उसमें क्या कार्रवाई हुई सर? अमदी नगर में एक चोरी की रिपोर्ट आई थी जिस पर तत्कालीन थाना प्रभारी द्वारा
जांच के उपरांत पंजीबद्ध करना है करके डिले किया गया है। बाद में अपराध पंजीबद्ध किया गया है कोतवाली थाने में, उसमें जांच प्रक्रियाधीन है और कार्रवाई की जा रही है। कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए लाया गया था जिसमें अभी सुराग नहीं मिल पाए हैं। बहुत जल्दी ही हम इसमें कार्रवाई करके चोर का पता लगाएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.